जय श्री राम, जय श्री राम। राम तो हमारे साथ थे, उनको भी धोखा दे दिया बीजेपी ने। संघर्ष करो, सरदार भगत सिंह को याद करो, ये उसका बनाया देश है। इन चोरों का नहीं है, सावरकर की औलाद है। क्योंकि फिर तो चुनाव का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश के अंदर। अगले 5 साल मोदी को और दे दो, श्रीलंका से बस से बदतर हालात बन जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव से पहले बहुत जगह ईवीएम पकड़ी गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो हम लड़ेंगे, नहीं मोदी जिंदा। कितना सड़कों पे इनकी चाल यही रहती है, एक दो राज्य देने के बाद बाकी राज्य अपने पास रखने की। और 24 का अगर आरबीआई की साइटें हैक हो सकती हैं तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता? अरे लोगों की जान निकाली, बूढ़ी माँ के पैसे पर्चे निकाले हैं, भीख मांग रहे लोग, लाडली योजना की बात कर रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार करो, यही एक रास्ता है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और ईवीएम लाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। क्यों किया था? अब तो चुनाव ही देश में नहीं होना चाहिए। बाहर बैठ जाओ, या तो मोदी को जब तक जिंदा दे दो प्रधानमंत्री सीट, वो तो चाहता है। तो मैं टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी के चैनल से ही पूछता हूँ कि कहाँ गए वो सारे सर्वे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द नव जीवन। देखिए लगातार हम मध्य प्रदेश चुनाव करके आए, जो रुझान दिखाए थे उसके बिल्कुल अपोजिट आए हैं। जो एग्जिट पोल आया था उसका बिल्कुल सर अपोजिट देखने को मिल रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है मोदी जी की आंधी फिर से चल चुकी है। सुपड़ा साहब, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ भी हाथ से जा रहा है। देखिए मोदी जी में दम नहीं है, अगर उन्हें दम है तो ये हटा दे, चुनाव लड़ ले, मैं अपना सर कटवा दूंगा मोदी जीत जाए तो। हालात समझो, हालात देश बर्बाद है, रुपया गिर रहा है और फिर भी मोदी जीत रहा है। इतने भी अंधे लोग नहीं है भारत के। ये ईवीएम हटाओगे जब ही जीत पाओगे, वरना मोदी को ही जब तक जिंदा प्रधानमंत्री बना दो। क्यों लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो, क्यों हत्या कर रहे हो? सही मायने में ईवीएम का खेल है। मोदी जी ने जो आंकड़े दिए थे मीडिया वालों को, वही तो साबित हो गए। पूरा देश झूठा था, पूरा देश झूठ बोल रहा था। सारी मीडिया कह रही थी, सारे लोग कह रहे थे, सारे अफसर कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, और टीवी में कांग्रेस है नहीं, वहां कांग्रेस है जहां मोदी नहीं है। तेलंगाना में मोदी ने तो उसने दे दिया एक स्टेट और बाकी सारे खागा। तो अगर ईवीएम होती तो तेलंगाना कैसे जीत जाता? अरे भाई मोदी कुछ तो हमें देगा, सारे थोड़ी ले लेगा। अच्छा। वो दिमाग से खेलता है। अच्छा। अगर तेलंगाना भी ले लेता तो जनता लठ लेकर रोड पर उतर जाती। ये कहने के लिए जैसे आपने, आप भाई ने कहा कि मैं तो आप तो तेलंगाना दे दिया, कहने की समझो देश जा कह रहा है। क्या देश के हालात ठीक है? क्या देश में राम राज है? क्या हिंदू मुसलमान भारत के लोग सुख शांति से रह रहे हैं? हर आदमी तड़प रहा बच्चे पालने के लिए और फिर भी मोदी जीत रहा है। तो भाई जब तक जिंदा इसी को जिता दो, लोकतंत्र का मजाक मत बनाओ। तो फिर क्या करेंगे सर? अगर आपको लग रहा है करेंगे तो चुनाव क्यों? विपक्ष का नेता सारे फेल है। मैं कहूँ सारे बैठ जाए धरने पर, चुनाव हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा। तो देखिए मोदी के ढूंढा भी मिल जाए तो मतलब चुनाव ही लड़ना, का बहिष्कार करना पड़ेगा। या तो बैलेट पेपर से, मोदी ने भी कहा था ईवीएम में गड़बड़ होती है। सबसे पहले विरोध मोदी ने करा था, लोग अब समझ नहीं रहे हैं भाई। ये तो जो परिणाम है मोदी के दिए हुए हैं और वही चल रहे हैं। लेकिन कह रहा लाडली बहना योजना हिट हुई है, लाडली पाडली सब उसने करना तो कर दिया, कोई हिट नहीं हुई है। अरे लोगों की जान निकाली, बूढ़ी माँ के पैसे पर्चे निकाले हैं, भीख मांग रहे लोग, लाडली योजना की बात कर रहे हैं। कौन सी लाडली योजना? सिलेंडर का था आधा कर देंगे, डीजल पेट्रोल का था आधा कर देंगे, महंगाई का था आधा कर देंगे, किसान खुशहाल कर देंगे। बताइए कौन सा वादा करा? बर जय श्री राम, जय श्री राम। राम तो हमारे साथ थे, उनको भी धोखा दे दिया बीजेपी ने। कहना कि देश को सोचना पड़ेगा, नेताओं को सोचना पड़ेगा। चुनाव का बहिष्कार करो, यही एक रास्ता है, अन्यथा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक और सवाल है, जो गठबंधन था अखिलेश यादव वहां गए थे, उसको भी नाराज कुछ नहीं करेगा भाई, उसकी नाराजगी में भी कुछ नहीं करा। मशीन के सामने कोई जीत पाया क्या? 100 मजदूर खड़ी कर दो, एक जेसीबी खड़ी कर दो, आप भी बताओ कौन जीतेगा? 200 मशीनों को भी फेंक देगी जेसीबी। मशीन में ताकत है, इस मशीन को बदलना पड़ेगा, मोदी के दिमाग को बदलना पड़ेगा। आंदोलन होना चाहिए क्या, जैसे किसान आंदोलन हुआ था? अब तो चुनावी देश में नहीं होना चाहिए। अच्छा। बाहर बैठ जाओ, या तो मोदी को जब तक जिंदा दे दो प्रधानमंत्री सीट, वो तो चाहता है। मतलब डिक्टेटरशिप चल रही है, वही चल रही है, वो भी यही चाहता है। कहां बताओ एक आदमी देश का खुशहाल बताओ कौन है, सिवा मोदी के दोस्तों के और सिवा बीजेपी के? बताओ कौन खुशहाल? आप अपने आप को देख लो, आप गोदी मीडिया, आप तो गोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया मजे ले रही है, पैकेज ले रही है बड़े बड़े और गुणगान गा रही है। एग्जिट पोल में तो वो भी जीत दिखा रहे थे आप लोग। भाई कह ही तो रहा हूँ, पूरा देश तो कह रहा था कांग्रेस जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस जीत रही है और टीवी में मोदी जीत रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ट्विटर से एक वीडियो ट्वीट की गई थी जिसमें एक आ गया था ईवीएम की पेटी की सील खुली हुई है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस की भी कमी है कि बूथ पे सही से सिक्योरिटी नहीं कर पा? तो कह रहा हूँ सारे विपक्ष की कमी है, एक चोर से नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चुनाव का बहिष्कार करो, हमें इलाज यही इलाज है, अब यही इलाज है, चुनाव का बहिष्कार करो। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो हम लड़ेंगे, नहीं मोदी जिंदा। श्रीलंका कितना सड़कों पे आएंगे? हाँ जी जैसे श्रीलंका में हुआ था, तो हालात बन जाएंगे। अगले 5 साल मोदी को और दे दो,
श्रीलंका से बस से बदतर हालात बन जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, चोरी डकैती बढ़ गई है, कार खड़ी करो तो शीशे तोड़ लेते हैं, टायर निकाल लेते हैं, सिलेंडर चोरी कर लेते हैं, हर चोरों की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, लोग भूखे मरे, बच्चे तो पालेंगे। सवाल है सर, ये क्या समझ लिया जाए फिर 24 में मोदी ही आ रहे हैं फिर? तो आज का रिजल्ट तो ये कह रहा है, वो सही कह रहा है, जब तक ये ईवीएम मशीन मोदी आएंगे कोई इंडिया पे इंडिया कुछ करने वाली नहीं है। अपने नेता राहुल गांधी से कहता हूँ, आप हिम्मत दिखाओ, संघर्ष करो, सरदार भगत सिंह को याद करो, ये उसका बनाया देश है, इन चोरों का नहीं है, सावरकर की औलाद है, इनको बाहर भेजना जरूरी है, देश लूट रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार करो, एक ही काम है बस। शुक्रिया सर। टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था दो दिन पहले कि बहुमत की सरकार आ रही है, तो मैं टीवी चैनल के माध्यम से टीवी के चैनल से ही पूछता हूँ कि कहाँ गए वो सारे सर्वे, कैसे बदल गए सारे सर्वे? सर्वे में तो बताया गया था कि कांग्रेस की सरकारें बहुमत से बन रही है। सर्वे में बताया गया था मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है, छत्तीसगढ़ और वहाँ पे राजस्थान में फाइट दे रही है, फाइट दे रही थी तो फाइट में 19-20 छत्तीसगढ़ का दिखाया, मध्य प्रदेश का दिखाया था, वही छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में क्या बताया था? छत्तीसगढ़ में बताया था कि सरकार बन सकती है बट नहीं बन पाई, क्यों? रिजल्ट कुछ और आया, कैसे चेंज हो गया दो दिन में? कैसे चेंज हो गया दो दिन में? चेंज नहीं हो सकता था ना? अच्छा, नहीं हो सकता है तो रुझान होते हैं, वो तो एग्जिट नहीं होते, ईवीएम की फाइनल ईवीएम की सेटिंग होती है, मतलब जीत गए तो ईवीएम, हार गए तो। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और ईवीएम लाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था, क्यों किया था? हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, हमारे भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने दिल्ली में देखा है, आपने सभी ने देखा, दिल्ली आपने कवरेज की थी कि हमारी जो महिला पहलवान थी वो दिल्ली पे सड़कों पे थी, वो हमारी बहनें हैं, उन बहनों के साथ जब इतना बड़ा बड़ा अत्याचार किया गया, फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकारें बना रही है तो ये इलेक्शन कमीशन का झोल है और ईवीएम का खेला है। ईवीएम का खेला है, ईवीएम का आप कैसे कह सकते हो? जब ईवीएम आप कह रहे हो हैक, जब सरकार बुलाती है कि आओ हैक करके दिखाओ, तब आप लोग जाते नहीं हो। चलो ठीक है, चलो हमने मान लिया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, मान लिया। एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी इनकी बात सिक्योरिटी के तहत ये बोल सकते हैं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, मान लिया। तो देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है और देश को सुरक्षित रखना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य भी बन जाता है और उनका अधिकार भी है। तो जब पूरे देश में साइबर क्राइम किया जाता है, एक ओटीपी से किसी व्यक्ति के पूरे अकाउंट को खाली कर दिया जाता है, अगर हैक नहीं किया जा सकता है तो आरबीआई को उस सिक्योरिटी को दे दीजिए ना, किसी गरीब के पैसे को बचा लीजिए, वहां क्यों नहीं यूज किया जा सकता है? अगर आरबीआई की साइटें हैक हो सकती हैं तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता? ईवीएम की वजह से खेला हुआ नहीं कह रही ना। अरे जनता देखिए, जहां जहां राहुल गांधी की रैली हुई है, प्रियंका गांधी जी की रैली हुई है, कांग्रेस लीडरों की रैली हुई है, वहां इतनी बड़ी भीड़ जो थी, असंख्या लोगों की जो भीड़ थी, वो यही बता रही थी कि कांग्रेस की लहर है। तो जाहिर की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, तो आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मेहनत नहीं करी सही दूसरे राज्यों में, इसलिए आ रही? नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं। अभी तो आप कह रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जहां जहां रैली हुई है, मैंने राहुल गांधी नहीं बोला, मैंने बोला कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेस के लीडर जहां जहां वो गए वहां वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी, फिर भीड़ वो कैसे गायब हो गई? लोगों के अंदर गुस्सा था, त्राही माम बचा हुआ है पूरे, तो पैसे लेके बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, महंगाई एक बहुत बड़ा क्या मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्या इस देश के अंदर, है ना? फिर उन मुद्दों को कैसे जनता बुला सकती है? उन्होंने वोट किया है, दो दिन में अगर ईवीएम हैक नहीं की जाती तो कांग्रेस के जो समर्थक है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो क्या कर रहे थे? सुरक्षा क्यों नहीं करी ईवीएम की? उन्होंने दिन रात मेहनत करनी चाहिए। देखिए, हर जगह इन्होंने अपने आदमी बैठा के रखे हुए हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन जाते सड़क पे गेट के भागे लेट जाते, जाने नहीं देंगे कहीं पर भी। देखिए, आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर ईडी के छापे वाले जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन भी इनका ही है, पूरी तरह से इन्होंने एक तरफ से हैक करके रखा हुआ है, पूरे के पूरे सिस्टम को हैक करके रखा हुआ है इन लोगों ने। अभी देखिए, अग्निपथ योजना लेकर आया, ऐसा कौन सा युवा होगा जो अग्निपथ योजना को देकर वोट देगा? ईवीएम हैक हो जाती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को करना चाहिए कि स्ट्रांग रूम में वहीं धरना दे दें, वहीं बैठ जाएं। देखिए, हम तो कर रहे हैं 2024, देखो आज सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है,
अभी भी अगर कांग्रेस के नेता नहीं जागते हैं तो मुझे लगता है कि देश में चुनाव ही नहीं होना चाहिए। क्यों 24 में आप मानना मोदी जी आ रहे हैं 24 में? देखिए अभी इसकी रणनीति तय की जाएगी। हम ईवीएम से चुनाव हुआ तो फिर तो मोदी जी आ रहे हैं, फिर तो आएंगे, क्योंकि फिर तो चुनाव का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा में फेमस हुए थे इम्पोस्टर है राहुल गांधी जी के, क्या हुआ? पनौती कौन बना इस बार? पनौती बड़ा कहा जा रहा था मोदी जी को, कौन निकला पनौती? ईवीएम निकली पनौती। अच्छा जी हाँ, मोदी जी पनौती हैं, वो तो मैच में साबित हो गया था मोदी जी पनौती हैं। लेकिन चार राज्य तो जीत गए। क्या आपने अभी एक गलती कर दी कि पांच राज्यों के वो खुले हैं? वो चार के खुले हैं, एक का कल खुलेगा। हाँ मिजोरम का, मिजोरम कल खुलेगा, तो आपकी पहली गलती तो यही है। अच्छा हाँ, दूसरी गलती, मोदी जी ने इस देश के लिए वो हाल कर दिया है कि हालत देश के खराब है। जनता तो वोट दे रही है आपके, हालत खराब है। जनता वोट नहीं दे रही है, क्या है वो ईवीएम की सेटिंग वोट दे रही है। अच्छा। मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव से पहले बहुत जगह ईवीएम पकड़ी गई थी। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा आप अब आप मुझे ये बताइए, अगर जीत जाते तब भी बोलते? आप मुझे ये बताइए, अगर वो ईवीएम पकड़ी जा रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसमें किसका दोष है? ईवीएम का तो दोष होगा ना, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ईवीएम सब कुछ सेट है, ईवीएम के जो पकड़ी जा रही हैं उनसे बिल्कुल सबूत पक्का निकल रहा है। अच्छा, हर बार हारने पर आप लोग ईवीएम करते हो, क्यों लड़ रहा हो चुनाव? ऐसे बोल दो मोदी जी आप ही रहो परमानेंट, क्यों खर्चा करवा रहे हो? ईवीएम बंद कर दो। हाँ। ईवीएम को बैन कर दो। वो तो नहीं होगी, वो तो होगी नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ईवीएम बैन नहीं होगी। अगर ईवीएम बैन नहीं होगी ना तो इस देश में ऐसे चलता रहेगा, जैसे जातिवाद है धर्मवाद है वही चलता रहेगा। अगर ईवीएम बैंड नहीं होगी, ईवीएम बैंड होगी तभी इस देश कैसे कराएंगे, खुशहाली आएगी कैसे कराएंगे? अभी से मैं थोड़ी ना करा सकता, इलेक्शन कमीशन सेट करता है, इलेक्शन कमीशन को बैंड करना चाहिए ये। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा ना कि इसमें कमी है। मानेगा इसलिए नहीं क्योंकि वो बिका हुआ है। अच्छा। मान इसलिए नहीं रहा क्योंकि बिका हुआ है इलेक्शन कमीशन। अब उन्होंने एक राज्य दे दिया है कि मिजो वो तेलंगाना को ले लो और झूम जाओ, बाकी के बड़े राज्य तीन उन्होंने ले लिए। लिए क्यों हैं? क्योंकि बड़े राज्य वो दिख रहे हैं, 24 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम बैन होगी तो 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा जी हाँ, वरना नहीं जीतेगी। कैसे जीत जाएगी? राज्य ही नहीं जीतने दे रहे, राज्य के अंदर ईवीएम पकड़ी जा रही है। हाँ। तो 24 में भी पकड़ी जा सकती है वो तो। कर्नाटक जीते थे जब, तो नहीं बोला था हमने ईवीएम से जीत गए। आप मुझे एक बात बताइए, वो इनकी चाल यही रहती है, एक दो राज्य देने के बाद बाकी राज्य अपने पास रखने की, और 24 का ये अपना यंत्र सेट कर रहे हैं कि हमें 24 का चुनाव किस तरीके से जीतना है। एक राज्य दे दिए, दो राज्य दे दिए, लेकिन आने वाले टाइम में ईवीएम जब बैन नहीं होगी तो उसका नतीजा भी यही निकलेगा, लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। कौन कर रहा है हत्या? मोदी जी कर रहे हैं। क्या बीजेपी कर रही है? तंत्र में चुनाव होते हो रहे हैं, चुनाव में वो जीत रहे हैं, वो आपको हजम नहीं हो रहा क्या? अब हम ये बोल रहे हैं कि ईवीएम को बैन करो, देश की जनता ये बोल रही है, तो ईवीएम को बैन करो ना, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए उसका। देश की जनता कहाँ बोल रही है, कांग्रेस ही बोल रहा है बस। तो कांग्रेस के देश की जनता नहीं है, तो राजनीतिक पार्टी है ना, देश की जनता इसके अंदर नहीं आती है। राजनीति आती है, लेकिन जो आम लोग कांग्रेस को वोट देते वो इसके अंदर नहीं आते, देश की जनता नहीं है वो। अब ऐसे तो हर एक आदमी देश की जनता है नहीं, हर एक आदमी किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो तो राजनीति आदमी हो गया। फिर तो आम आदमी इस लेवल से हिंदुस्तान में कोई बचा ही नहीं है। अच्छा, हम तो नहीं है ना राजनीतिक पार्टी से। राजनीतिक पार्टी से ना तो आप दूसरी पार्टी से होंगे, समझ रहा हूँ मैं बस। अच्छा यार, सारी बात मत खुलवाओ, अंडरग्राउंड पार्टी आपकी है, अंडरग्राउंड पार्टी है, उसमें होंगे आप। अच्छा हाँ, मतलब हार पच नहीं रही आपसे, कुल मिला के ये बात है। भाई हम किसान परिवार से हैं, हमें तो सब झटके झेलने के आदत है। अच्छा ठीक है ना। हाँ। हमसे तो हार पच जाएगी। एक ट्रेंड चल रहा था पप्पू वर्सेस पनौती। हाँ, अब क्या होगा? पनौती तो पनौती रहेगा, देश की लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो पनौती नहीं है तो क्या है ये? अच्छा, पनौती तो पनौती रहेगा। राहुल गांधी पनौती निकले, जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार करा वहाँ वहाँ हारी है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के अंदर चुनाव प्रचार ज्यादा किया है, वहीं पे राहुल गांधी जीत रहे हैं। अच्छा। वहीं पे सरकार कर लेते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करा? सुन लीजिए, राहुल गांधी ने तेलंगाना के अंदर चुनाव प्रचार किया ज्यादा से ज्यादा, वहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है। लेकिन अब देखा जाए दूसरे राज्यों को,
वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे राहुल जी वहाँ पर ज़्यादा नहीं गए, इसलिए वहाँ पे चुनाव हार रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ है ईवीएम, ईवीएम को बैंड करो, ईवीएम से ही मसला सेट होगा। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि राजस्थान में तो अक्सर 5 साल के बाद बदलाव होता है, वहाँ का राज का जाना ना जाना अलग चीज़ रही है। रहा कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि जहाँ पार्टी अंदरूनी हालात जो एक दूसरे से बिगाड़ देते हैं वो अलग है। मध्य प्रदेश में भी ये है कि वहाँ तो बराबर चल रही है सरकार, अब ये जो छत्तीसगढ़ इनकी गई है ये रोना इनके लिए बाकी बचा हुआ है इन लोगों को। बाकी ये जो है रहा सवाल ये कि भाई हमारे भाई ने बोला है कि ये जो ईवीएम का मामला है तो जहाँ जहाँ सरकार है जिससे ऐसी आती जाएंगी वहाँ ईवीएम की बातें चलती रहेंगी। अब ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बड़े भाई के हमारे जो है ये साथी हैं इनके लिए ज़्यादा मौका दें, मेरे लिए तो चलता रहेगा जितना।